मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुबई से लौटे पेट्रोलियम इंजीनियर दीपक शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये इलाज के बाद बीमारी से उबर चुके हैं और 4 अप्रैल को घर भी पहुंच गए। लेकिन इस बीच दीपक के घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया है। इस बोर्ड पर लिखा गया है, यह मकान बिकाऊ है। इस संबंध में दीपक ने बताया कि मेरे बीमार होकर घर लौटने के बाद पिता ने मकान बेचने का निर्णय लिया है। पिता ने घर के बाहर तख्ती टंगवा दी है। दीपक का कहना है कि मुझे कोरोना हुआ, यह किसी को भी हो सकता है, इसलिए किसी को भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुश्किल दौर में हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। जिस दिन मैं ठीक होकर लौट रहा था उसी दिन से लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं हत्या का अपराधी हूँ। सोचा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बदला। लोग मुझसे और परिवार से बुरा बर्ताव करने लगे हैं। हमारा पूरा परिवार आत्मग्लानि से घिर गया है। दीपक बताते हैं कि अब डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगा है। जो लोग हमारे घर आते जाते थे वे हमें दरवाजे पर खड़ा देखकर अपने गेट बंद कर लेते हैं। अब मोहल्ले के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। दीपक कहते हैं कि लोग जा रहते हैं वहां उसका सबसे ज्यादा शुभचिंतक पड़ोसी ही होता है, लेकिन जब पड़ोसी का व्यवहार खराब हो जाए तो आलात और चिंताजनक हो जाते हैं। हमारे पड़ोसियों ने भी ऐसा ही किया, अब अति हो गई है। वह एक पड़ोसी का नाम लेकर कहते हैं कि वे ट्यूशन पढ़ाते हैं, वह दूध वाले और सब्जी वाले से हमारे घर जाने से मना कर रहे हैं। दूध वाले से उन्होंने कहा कि उनके बर्तन मत छूना, वायरस पकड़ लेगा, उनके यहाँ दूध मत दो। इसके बाद हमारी माँ जिस रास्ते से जाती है वे कहते हैं कि इस रास्ते से मत चलो, उनके कदम यहाँ पड़े हैं, उस जगहों पर पैर मत रखो नहीं तो वायरस पकड़ लेगा। दीपक के पिता सेवानिवृत्त ASI जानकी प्रसाद शर्मा ने बताया कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर हमारा मकान ये लोग अपने ही किसी परिचित को दिला दें। लोग रात को आकर हमारे घर का दरवाजा पीटते हैं, परेशान करते हैं ताकि हम यहाँ से चले जाएं। दीपक ने कहा कि अभी तो मैं यहाँ हूँ, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर अपने काम पर दुबई चला जाऊंगा, इसके बाद माता पिता यहाँ कैसे रह पाएंगे, इसलिए मकान बेचने का फैसला लिया गया है। जैसे ही मकान बिक जाएगा हम ग्वालियर चले जाएंगे, वहां रहने का निर्णय पूरे परिवार ने किया है। हालांकि वह मूलतः कोलारस के रहने वाले हैं, कोलारस में पुश्तैनी मकान और खेती की जमीन भी है। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। मेरा घर बिकाऊ है, ये पोस्टर लगा है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमित पहले मरीज दीपक शर्मा के घर के बाहर। वैसे दीपक अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। दीपक अपने मनोबल के दम पर कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन पड़ोसियों और नजदीकियों के बुरे बर्ताव के सामने उनका मनोबल टूट चुका है। वह अपना घर बेचने का मन बना चुके हैं। इस दुनिया में चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, समाज हो कुटुंब हो रिश्तेदार हो, सबसे पहले पड़ोस आता है। सही है, कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले पड़ोस आके खड़ा होगा, लेकिन जब पड़ोसी ऐसा अपने नेगेटिव टाइप की वर्ड यूज करेगा तो आदमी कैसे रहेगा। दीपक दुबई में पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। वहां से लौटने पर वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दीपक ने बताया कि जो लोग हमारे घर आते जाते थे आज वे हमें देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लॉकडाउन खत्म होने पर वह तो दुबई चले जाएंगे, लेकिन इस स्थिति में माता पिता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.